اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. معراج के सिलसिले में आज हमारा तीसरा दर्स है, जिसके अंदर इंशाअल्लाह विल ट्राई टू रैप अप द मेराज इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द 11th ईयर ऑफ नबुवा इन मक्कतुल मुअज्जमा. अल्लाह ने अपने नबी को बहुत सारी निशानियां दिखाई, और उनमें से एक निशानी जो सनद के साथ मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबे मेराज में मैं एक मुकाम से मुझे बहुत ही आला और मस्त खुशबू की महक आने लगी. तो मैंने पूछा कि ये खुशबू कैसी है, तो जवाब मिला कि फिरौन की लड़की की मशाता और इसकी औलाद के महल की खुशबू है. अच्छा, मशाता जो है, अभी मैं हदीस यहाँ रोक रहा हूँ समझाने के लिए कि मशाता आप समझ लें उस ज़माने के हेयर ड्रेसर हुआ करती थी, उसको कहते थे. तो वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने शहज़ादियों के लिए हेयर ड्रेसर्स रखे हुए थे, जो आके औरत सिर्फ शहज़ादी के बाल संवारना का बस उसका इतना काम था. तो खैर, बहरहाल अब मैं हदीस की तरफ वापस आता हूँ कि फिरौन की शहज़ादी को कंघी करते हुए इसके हाथ से इत्तेफाकन कंघी गिर पड़ी, तो इसकी ज़बान से निकल गया अचानक बिस्मिल्लाह. इस पर शहज़ादी ने इससे कहा कि अल्लाह तो मेरे बाप ही हैं. तो उसने जवाब दिया नहीं, मशाता ने जवाब दिया नहीं, बल्कि अल्लाह वो है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है. तो उसने कहा अच्छा, तो मेरे बाप के सिवा किसी और रब को मानती है? तो उसने जवाब दिया हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप का, हम सब का रब अल्लाह है. तो शहजादी ने अपने बाप को कहलवा भेजा. तो उसका बाप जो फिरौन था वो सख्त गुस्से हुआ, और उसने जो है ना उसी वक्त हुक्म भेजा और इसको बुलाया और इसे पूछा कि तू मेरे सिवा किसी और रब को मानती है? तो बादशाह ने कहा हाँ, मेरा और तेरा रब तो अल्लाह है, वही बुलंद है और वही बुजुर्ग है. तो फिरौन तो ये सुन के आग बगोला हो गया, क्योंकि वो तो यही कहता था ना कि आना रब्बुकुम अला, कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं. तो फिरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की एक गाय बनी हुई थी उनके पास, बहुत बड़ी सी. तो उसने कहा इस गाय को तपाओ, इतना तपाओ कि आग बगोला हो जाए. और जब वो आग बगोला हो गई तो उसने उस औरत को और उसके बच्चों को बुलवाया, और उसके बच्चों को एक एक करके मां के सामने डलवाया. अल्लाहु अकबर, ताकि वो देख ले कि उसकी औलाद जब तड़प तड़प के मर रही है तो अल्लाह का नाम लेने की देखें अजियत क्या मिलती है. चुनांचे जब आग गर्म हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो. तो उसने कहा ए बादशाह, मेरी एक दरख्वास्त मंजूर कर लो. तो बादशाह ने कहा हाँ बोलो, इतना तो तुम्हारा हक है हम पर. तो उसने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां जो है ना वो एक ही जगह दफनाना, अलग अलग ना दफनाना. बादशाह ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी ये शर्त मंजूर करते हैं. तो इसमें एक एक करके बच्चे डाले गए. जब सब जलकर राख हो गए तो जो सबसे छोटा बच्चा था, जो माँ की छाती से लगा दूध पी रहा था, उसकी बारी आई. तो फिरौन के सिपाहियों ने उस बच्चे को घसीटा तो उस बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया कि क्या अब मैं इस शीरखोर को मरते हुए भी देखूंगी. तो अल्लाह ने उस बच्चे को जबान दी और उसने बावाज बुलंद कहा कि अम्मा अफसोस ना कर, अम्मा जरा भी आगे पीछे ना हो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है. तो उस औरत को सब्र आ गया, और फिर उस बच्चे को भी डाल दिया गया, और फिर उस औरत को भी डाल दिया गया, और वो सब मार दिए गए. तो अल्लाह ने उनको क्या अजर दिया कि अल्लाह ने उनको जन्नत में महल बना के दे दिया, उनके सब्र के जवाब में, जो उन्होंने सब्र किया अल्लाह का नाम लेने पर, पूरा खानदान जो खत्म कर दिया गया
तो उस खानदान को जन्नत में एक ऐसा महल दिया गया कि जिसकी खुशबुएं दूर दूर तक आ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के साथ ही बयान फरमाया कि चार छोटे बच्चों ने गहवारे में बात की है। एक तो ये बच्चा, एक वो बच्चा जिसने यूसुफ की पाक दामनी की शहादत दी थी, और एक वो बच्चा जिसने जुरैज वली की पाक दामनी की शहादत दी थी, और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और जिन उलमा ने इस हदीस को नकल किया है वो कहते हैं कि ये सनद के हिसाब से बेऐब है, जिसको मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये सनद से मरवी है हदीस। अब ज़रा मुख्तसरन इन बच्चों के हवाल भी पढ़ लेते हैं जो बाकी बच्चे हैं, ताकि अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो यहीं पे जवाब मिल जाए। एक बच्चा तो ये है जिसने उतनी कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चे बात नहीं करते, बोला। एक वो बच्चा है जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में गवाही दी, यानी कि जब जुलैखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भागी और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कमीज़ पकड़ के खींचा, जो फाड़ डाला, तो जब दरवाजे पर पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अजीज़ मिस्र दाखिल हुआ। तो उस वक्त उस औरत ने कहा कि अजीज़ मिस्र, तुम उस शख्स को क्या सजा दोगे जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे घर की औरतों पर बुरी निगाह डालता हो? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये झूठ बोलती है, मैंने आपके घर के ऊपर बुरी निगाह नहीं डाली, बल्कि यही मेरे पीछे पड़ी थी। तो अब अजीज़ मिस्र परेशान हो गया, एक तरफ बीवी है और एक तरफ ये आदमी है, ये एक बात कहता है बीवी झुठलाती है, बीवी एक बात कहती है ये झुठलाता है। तो उस वक्त क्योंकि वो बे औलाद था, तो वो छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ में लिए घूमता था, दूसरे लोगों के जो उसके नौकर होते थे इनके उनके। तो उस वक्त घर का एक बच्चा उसकी गोद में था और वो अभी बोलने की उम्र को नहीं पहुंचा था, तो उसने कहा फशहीदा शाहिदुन, तो जिसको कुरान बयान करता है कि गवाही देने वालों में से एक ने गवाही दी, यानी इस बच्चे ने गवाही दी, वह शहीदा शाहिदुन। तो घर वालों में से एक गवाह ने, जो कि अभी शीरख्वार बच्चा था, उसने गवाही दी कि क्या कबुल, यानी कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है फसदकत, तो ये औरत सच्ची है, वह हुआ मिनल कादिबीन, और यूसुफ झूठा है, वह क्या कमीसुहु कुद्दमिन दुबर, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है फकदबत, तो ये औरत झूठी है, वह हुआ मिनल सादिकीन, और यूसुफ सच्चा है। तो एक ये वाकया था जो कुरान में आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में एक शीरख्वार बच्चे ने गवाही दी। और जुरैज का जो वाकया है, ये बनी इसराइल के बहुत बड़े आबिद थे, और इनसे कुछ लोगों ने आप समझ लें कि बुग्ज़ किया, जो बनी इसराइल के कुछ लोग थे जो इनकी चर्चे थे इनकी इबादत के, तो उससे उन्होंने बुग्ज़ किया और उन्होंने एक गलत किस्म की औरत को तैयार किया कि वो जाए और जुरैज का ईमान ख़राब करे, क्योंकि जुरैज बहुत बड़े आबिद थे। तो उसने क्या किया कि जुरैज के घर के करीब अपना घर बनाया, और जुरैज से वो होता है ना आजकल भी, वो खिदमत में हाजिर हो जाती हैं कि हुजूर तावीज़ गंडे कर दें, आपकी खिदमत में रहना चाहती हूँ, इस तरह करके वो भी पहुँची और जुरैज के आस पास मंडलाने लगी। लेकिन जुरैज ने तो एक आंख ना डाली उस पर, अल्लाह का आबिद था ना, अल्लाह ने वही तो कहा है कि हम अपने सालहीन को शर से महफूज रखते हैं शैतान के। तो जब उसकी कोई चाल ना चली तो वो गई एक बड़े दूर इफ्तादा इलाके में, और वहाँ पर उसने एक चरवाहे से मुँह काला किया, वहाँ उससे एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे और वो बच्चे को लेके आ गई जुरैज की खिदमत में, कि मतलब ये कौम की खिदमत में, कि देखो ये जुरैज का बच्चा है, और जुरैज मानता नहीं कि मेरा बच्चा, और कौम तो आपको पता है किस किस्म की खर दिमाग किस्म की कौम होती है, और फिर औरत के तो वैसे ही कई भाई बन जाते हैं। तो खैर बहरहाल वो आके ना उन्होंने जनाब ना आओ देखा ना ताओ जुरैज की पिटाई करनी शुरू कर दी। वो जनाब जुरैज को जो मार रहे हैं, जुरैज कह रहे हैं अल्लाह के बंदे मार क्यों रहे हो ये तो बताओ, लेकिन कौम वो पूरा उनका इबादत खाना तोड़ फोड़ उतने में कुछ लोग आए, अल्लाह के बंदे वो इतना आबिद जाहिद आदमी, इससे पूछो तो सही हुआ क्या है, लेकिन कौम का रुकती। और उस वक्त वो बच्चा बोल पड़ा,
वो बच्चा जो अभी शीरख्वार बच्चा था उसने गवाही दी कि मैं जुरैज का बच्चा नहीं हूं बल्कि उस चरवाहे का बच्चा हूं जिससे औरत मुकाला करके आई है। तो कौम फिर बहुत शर्मिंदा हुई और जुरैज ने कहा कि देखो ये तो होना था कि जब मैं जवान था उस जमाने में मैं एक दिन इबादत कर रहा था, मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मैंने कहा कि मैं इबादत से अभी फारिग होकर माँ के पास जाता हूँ लेकिन मेरी इबादत लंबी हो गई। तो माँ ने गुस्से में आके मुझे बद्दुआ दी कि जब तक तू किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले तो अल्लाह तुझे मौत ना दे। तो देखो ये तो मेरे साथ होना था कि माँ की बद्दुआ तो लगती ही लगती है, माँ बाप के अव्वल तो बद्दुआ देते नहीं है लेकिन अगर कभी तंग आकर दे दें तो अल्लाह महफूज रखे। ऐसी लगती है ना मेरा भाई, ऐसी लगती है कि जिनसे जिनको लगती है उनसे पूछो कि कैसी लगती है। तो खैर बहरहाल ये जुरैज का वाकया था। तो ये तीन बच्चे हो गए। चौथे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको फिर सूरह मरियम में भी अल्लाह ने जिक्र किया कि जब मरियम बीवी मरियम अपनी कौम में आई बच्चे को लेके तो कौम ने उनसे कहा कि मरियम ये तुमने क्या किया। फ़ातत मिन क़ौमिहा तहमिला قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله। तो जब बीबी मरियम अपनी कौम में वापस आई तो कौम ने कहा कि मरियम हारून की बहन तुमने ये क्या किया, तो ना तुम्हारा बाप बुरा आदमी था ना तुम्हारी माँ बुरी आदमी औरत थी। तो बीबी मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया तो बच्चा जो अभी गहवारे में था कौम कहने लगी कि इस बच्चे से हम क्या बात करें, ये तो बच्चा है ये तो बोल नहीं सकता। तो बच्चा बोल पड़ा इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब व जअलनी नबिया अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। तो ये वो चौथा बच्चा था जो गहवारे में बोला है। तो हदीस में जो अल्फाज आए तो मैंने सोचा कि ये सवाल पैदा हो सकता है कि वो कौन बच्चे थे और उनकी क्या डिटेल थी, तो मुख्तसरन उस डिटेल को मैंने सोचा कि मैं बयान कर दूँ। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं जिब्रील लेकर मुझे नीचे उतरा और मैंने उनसे पूछा कि जिस आसमान पर मैं पहुंचा वहां के फरिश्तों ने खुशी जाहिर की, हंस हंस कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे मिले सिवाय एक फरिश्ते के कि इसने मेरे सलाम का जवाब तो दिया मुझे मरहबा भी कहा लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। जिब्राइल ये कौन है और इसकी क्या वजह है कि ये इतना उदास है, आखिर मेरा मदनी है ना उसका दिल भी तो कितना अल्लाह ने रहम वाला बनाया है। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया मेरा मदनी वो मालिक है, ये जहन्नुम के दारोगा हैं यानी जहन्नुम के बड़े हैं, ये अपने पैदा होने से लेकर आज तक वो हंसे नहीं और कयामत तक नहीं हंसेंगे क्योंकि इनकी खुशी का यही एक बड़ा मौका था, यही मौका था कि आपसे मिले तो यही एक खुशी का मौका था जिसके लिए सारे मलाइका मुंतजर थे कि वो कौन जात है पाक है कि जो महवर है इंसानियत की हिदायत का, तो अल्लाह जब उसको लाए तो हम उनसे मिले। ये इनकी खुशी का मौका था कि इस पर तो खुश हो जाते लेकिन वो इस पर भी खुश ना हुए तो मुश्किल है कि अब किसी और बात पर वो खुश होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत भी दिखलाई, अल्लाह ने जहन्नुम भी दिखलाई। फिर जैसा कि हम अपने पिछले दुरूस में भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन दोनों सात हैं यानी सेवन है, सेवन हेवंस सात आसमान और सात ज़मीनें हैं क्योंकि कुरान कहता है वल अर्द मिसलहुन और ज़मीनें भी उसी तरह हैं सात, लेकिन ज़मीनों का जो मैटर है वो एक है इसलिए उसको सिंगुलर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और जो आसमान है उनका मैटर जो है वो प्लूरल है, उनके लिए जो लफ्ज़ है वो प्लूरल है क्योंकि हर आसमान का मटेरियल जो है जो मैटर है वो दूसरे आसमान से अलग है, इसलिए आसमानों को तो प्लूरल में कहा जाता है और ज़मीन को सिंगुलर में कहा जाता है। एक रिवायत में आता है कि आसमान दुनिया यानी कि जो दुनिया से सबसे करीब तरीन आसमान है जो पानी और धुएं से बनाया गया है, ऐसे फरिश्ते हैं इनमें जो अल्लाह की इबादत करते हैं और जिनको पानी और हवा से पैदा किया गया है,
तो इनमें एक फरिश्ता है जिसका नाम है राद, और ये फरिश्ता बादलों और बारिश पर जो फरिश्ते मुकर्रर हैं इनका सरदार है। और जो मलाइका हैं इस आसमान पर, उनकी तस्बीह है सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, शहादत और आलम गैब का मालिक पाक है। इसीलिए उलमाए कराम इस आसमान को आसमान मलकूती भी कहते हैं, जो मदारिज बयान करते हैं ना कि आलम मलकूती और आलम जबरूती और आलम हूती लाहूती, तो ये इन तस्बीहात की वजह से इस आलम को आलम मलकूती कहते हैं। फिर दूसरे आसमान में मुख्तलिफ रंगों के फरिश्ते हैं जो अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए कहते हैं सुबहान दिल इज्जत वल जबरूत, इज्जत और जबरूत, जबरूत कहते हैं गलबे और ताकत वाला, तो वो कहते हैं इज्जत और जबरूत वाला रब पाक है। और फिर तीसरे आसमान के बारे में हदीस में आता है कि तीसरा आसमान अल्लाह ने लोहे से बनाया। इसमें कुछ फरिश्ते हैं जिनके मुख्तलिफ पर मुख्तलिफ चेहरे और मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, और वो सब बुलंद आवाज से पढ़ते हैं सुभानक अंतल हय्युल्लज़ी ला यमूत, तू पाक है, तू जिंदा है, तुझे मौत नहीं आएगी। और वो एक सफ बनाकर खड़े हैं कि गोया कोई दीवार हो, और खौफ खुदावंदी की वजह से इनमें से एक दूसरे के रंग को नहीं पहचानता। और चौथा आसमान अल्लाह ने महास यानी तांबे से बनाया, इसमें तीसरे आसमान के फरिश्तों से दुगने फरिश्ते हैं। इसी तरह हर ऊपर वाले आसमान में पिछले आसमान से ज़्यादा फरिश्ते हैं। और चौथे आसमान के फरिश्ते कयाम रुकू और सुजूद की हालत में मुख्तलिफ किस्म की इबादात में मसरूफ़ हैं। अल्लाह इनमें से किसी फरिश्ते को अपने कामों में से किसी काम के लिए भेजता है, तो वो फरिश्ता जब जा के वापस आता है और वो साथी फरिश्ता जो इस दौरान इबादत में लगा हुआ था वो उसको पहचान नहीं पाता है कि इबादत की वजह से अल्लाह ने उसके नूर में जो इजाफा कर दिया। और वो फिर यूं कहते हैं फरिश्ते जो इस आसमान पर हैं सुब्हान कुद्दूसुन रब्बुना रहमानुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहू, सुबूहन पाक है, कुद्दूसुन मुकद्दस है, और रब्बुना रहमान हमारा रब रहमान जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और पांचवा आसमान अल्लाह ने चांदी से बनाया कि इसमें कुछ फरिश्ते हैं जिनकी तादाद चारों आसमानों के फरिश्तों से ज्यादा है, और वो सिजदा रेज हैं, वो सिजदे में हैं और रुकू में हैं, और कयामत तक अपनी निगाहों को नहीं उठाएंगे। जब कयामत का दिन होगा तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने तेरी इबादत इस तरह नहीं की जिस तरह तेरी इबादत का हक था। ईमान से बताओ फिर हमारी नमाजों का क्या होगा? ये तो सिजदे में पड़े हैं, ये तो रुकू में पड़े हैं, और ये सिजदे और रुकू से उठते भी नहीं हैं, अपनी निगाहों को तक नहीं हटाते, अपने जहन को भी नहीं हटाते, और फिर ये कहते हुए उठेंगे कि हमारे रब, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। तो हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया। और छठे आसमान को अल्लाह ने दाब से बनाया यानी सोने से बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा लश्कर है जिसको करूबीन कहते हैं या मुकर्रबीन कहते हैं, जिसको इकबाल ने भी अपने कलाम में बताया कि वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करूबियां, यानी ये छठे आसमान के जो मलाइका हैं ला तादाद हैं, बहुत हैं ये, इनकी तादाद अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम, इतने हैं ये। और ये भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। और यही फरिश्ते हैं छठे आसमान के जिनको अल्लाह दुनिया के काम अंजाम देने के लिए भेजते हैं वक्तन फवक्तन, और ये बुलंद आवाज एक ही तस्बीह पढ़ते हैं सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर सातवां आसमान अल्लाह ने सुर्ख याकूत से बनाया, इसमें पहले आसमानों से ज्यादा फरिश्ते हैं, और इन पर एक फरिश्ता मुकर्रर है जो 7 लाख फरिश्तों से अफजल है, 7 लाख फरिश्तों। और इनमें ऐसे लश्कर हैं जो आसमान के कतरों
तर मिट्टी, रेत और नरम जमीन और रेत और पत्तों इनकी तादाद के मिसल है। यानी आप सोचें जमीन में कितने रेत के जर्रे होंगे और फजाओं में और खलाओं में कितनी रेत के जर्रे होंगे और जमीन पर कितने पत्ते होंगे। इन फरिश्तों की तादाद जो सातवें आसमान पर है इन सबसे ज्यादा है। और अल्लाह हर दिन जो चाहता है पैदा करता है, हदीस के अल्फाज हैं। और हदीस के अल्फाज फिर कहते हैं कि अल्लाह के लश्कर को इसके सिवा कोई नहीं जानता। और अर्श के उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं जो आपस में गुफ्तगू करते हैं। इनमें से हर फरिश्ते के मुख्तलिफ चेहरे हैं और इसके जिस्म में मुख्तलिफ आंखें हैं जो एक दूसरे से मिलती नहीं। वो बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो अर्श की तरफ देखते हैं और कोई कोताही नहीं करते। अगर इनमें से कोई फरिश्ता अपने दोनों बाजुओं को खोले तो अपने बाजुओं के एक पर से तमाम दुनिया को ढांप ले। अल्लाह के सिवा कोई भी इनकी तादाद का इल्म नहीं रखता। और अर्श को ये उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं जो हसीन और नर्म आवाज में गुफ्तगू करते हैं। इनमें से जो 4 हैं उनकी तस्बीह ये है, सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अला हिल्मिक बादा इल्मिक। या अल्लाह तू पाक है और तेरे लिए हम्द है कि तू जानने के बावजूद बुर्दबारी फरमाता है। और दूसरे जो 4 हैं वो कहते हैं कि सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अला अफूक बादा कुदरतिक। ए अल्लाह तू पाक है और तारीफ का मुस्ताक है कि ताकत के बावजूद माफ कर देता है। यानी आप इन फरिश्तों की कैफियतें देखें, इन फरिश्तों की तस्बीहात देखें, और वो ये रुकती नहीं है, वो होती रहती हैं, वो होती रहती हैं। और फिर भी उनको ये गम है कि मेरे मालिक हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। ए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरी इबादत करें जैसा कि तेरी इबादत करने का हक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफरे मेराज से वापस तशरीफ में लाया तो रास्ते में कुरैश के काफले से गुजरा। उस काफले ने गल्ला उठाया हुआ था। इस काफले में एक ऊंट था जिसने 2 बोरियां उठा रखी थीं, एक सिया रंग की थी और एक सफेद। जब आप काफले के पास से गुजरे तो उनका एक ऊंट भाग गया और भागते भागते गिर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निशानदेही करवाई कि देखो तुम्हारा ऊंट वहां है। तो ये एक अलामत थी जो आपने रास्ते में देखी। फिर एक और अलामत जो आपने रास्ते में देखी, आपने कहा कि मुझे प्यास लगी और मैं उतरा तो एक काफिले का वहां पड़ाव था और उनके पास एक जगह पानी था और वो ढका हुआ था, तो मैंने पानी उसमें से लिया और मैंने पानी पी लिया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर कहा कि मैंने उसको वैसे ही ढांक दिया जैसा कि पहले रखा हुआ था। तो ये दूसरी अलामत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो आप उम्मे हानी के घर गए, जो आपकी चचाजाद बहन हज़रत अली की बहन थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि रात को क्या वाकया पेश आया। तो उम्मे हानी ने कहा कि खुदा के लिए अल्लाह के रसूल, ये कुरैश को ना बताइएगा, वो एक हंगामा कर देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी थोड़ी हिकमतों का इंतज़ार करते हैं, उनको तो हुक्म होता है वल्लग मा उन्ज़िला इलैक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले कुरैश को बताने के लिए। तो उम्मे हानी ने अपनी एक ग़ुलाम साथ कर दी कि देखो जाओ कुरैश क्या कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे और आपने ये बात बयान की कुरैश से। तो अबू जहल जो था ना, ही वॉज़ अ एक्सट्रीमली स्मार्ट पर्सन इन हिज ओन माइंड। उसने कहा एक सेकेंड अल्लाह के रसूल, और फिर उसने लोगों को जमा करना शुरू किया। कुफार के तमाम जो सरदार थे उनको इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं। और फिर अल्लाह के रसूल से कहा आप एक बार फिर कहेंगे कि कहीं आप बात से फिर ना जाए ना। उसको ये डर था जिसलिए उसने ये नहीं कहा कि ये क्या कह रहे हैं। उसने कहा पहले लोगों को जमा कर लूँ ताकि लोग मुझे ना झूठा कहें। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात दोहराई। तो उसने कहा देखो लोगों अल्लाह के रसूल देखो क्या बात करते हैं। तो उसने कहा अच्छा आप ऐसा करें हमें कोई निशानियाँ बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी वो बताई जो आपने रास्ते में देखा था कि
सबसे पहले आप जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और जो कुछ देखा अपनी कौम को बताया, तो उनसे फरमाया कि मेरे सफ़रे में मेराज की एक अलामत ये भी है कि फ़लाँ फ़लाँ मुकाम पर मैंने तुम्हारे काफ़िले को देखा और वो फ़लाँ फ़लाँ दिन तुम्हारे पास आएगा। इनमें सबसे आगे एक सियाह रंग का ऊँट है जिस पर सियाह टाट है और दो बोरे हैं। जब वो दिन हुआ तो वो लोग देखने लगे, हत्ता कि दोपहर के करीब वो काफिला आया तो उन लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने वही बात बताई जो अल्लाह के रसूल ने बताई थी। तो ये तो तस्दीक हो गई थोड़े दिन के बाद। लेकिन अब इन्होंने ये काम किया कि ये अबू जहल और कुछ लोग दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर के पास गए और कहने लगे कि हल समेत मा काला साहेबुक, क्या तुमने भी सुना है कि तुम्हारा दोस्त क्या कहता है? उनका क्या कहता है? कहता है वो कल रात बैतुल मक़दस गया और वापस आ गया। उसने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये बात मेरे मदनी ने कही है। कुरैश ने कहा हाँ और किसने कही है? तो हज़रत अबू बकर ने कहा तो फिर मेरे मदनी ने सही कहा है। बगैर पूछे बगैर किसी और से तस्दीक किए फौरन अबू बकर ने कह दिया कि मेरा मदनी सही कहता है, इसलिए उनको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सच कहने वाला और सच की तस्दीक करने वाला। जब उन्होंने कहा है तो कहा है। फिर आपने फरमाया कि लोगों तुम्हें इस बात में ताज्जुब और अनोखापन क्या महसूस होता है? हमारे मदनी तो हमसे कहते हैं कि सुबह शाम मुझे आसमान से खबरें आती हैं, अभी जिब्रील आया अभी चला गया, हम तो वो भी मानते हैं। तो जो जिब्रील को भेज सकता है और बुला सकता है वो अपने हबीब को नहीं बुला सकता? इस हदीस को इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल किया है। ये जो वाकया है अबू जहल जो दौड़ा दौड़ा आया हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, और तो इस वाकये को हदीस की किताबों में इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में नकल किया है। तो खैर कुफार जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियां लेने के बावजूद भी काम बाज आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि कितना डिटेल चीज़ें बताई लेकिन नहीं माने। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि आप हमें बैतुल मक़दस की निशानियां बताएं, और हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर तुम भी बैठो क्योंकि तुम वहां जा चुके हो, और आपसे पूछा कि अच्छा आप हमें ये बताएं कि वहाँ कितनी खिड़कियाँ कितने दरवाजे हैं। यानी कितनी तकलीफ़ दे बात है ना कि अल्लाह के रसूल से देखो सवाल करते हैं तो क्या करते हैं कि कितनी खिड़कियाँ कितने दरवाजे हैं। यानी ईमान से बताएं, आप अपनी मस्जिद में जाते हैं रोज जाते हैं 5 वक्त जाते हैं, आपको पता है कितनी खिड़कियां हैं मस्जिद में, कितने एग्जिट्स हैं और कितने डोर्स हैं? नहीं पता, क्योंकि हम वहां खिड़कियां गिनने नहीं जाते, अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, अल्लाह के रसूल इबादत करने गए थे, खिड़कियां गिनने थोड़ी गए थे। अब इस स्टूपिडिटी का भी अल्लाह ने जवाब दिया कि शायद इनको हिदायत आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि आपने फरमाया फजलल्लाहु ली बैतल मक़दस, अल्लाह ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने रोशन कर दिया, यूं कि गोया मैं बैतुल मक़दस को देख रहा हूं अपने आंखों के सामने, मेरे और इसके दरमियान में से अल्लाह ने पर्दा उठा दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो उन्होंने फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझसे पूछा कि ये बताइए और ये बताइए और ये बताइए, और मैं उनके सवालात के जवाबात देता चला गया देता चला गया, और मैं परेशान हो रहा था जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछे क्योंकि मुझे तो ये बातें नहीं पता थी याद नहीं थी। अल्लाह ने मुझ पर करम किया और पर्दे उठा दिए, तो फिर वो जो बात पूछते मैं उसके जवाब देता चला जाता। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है जिसमें वो कहती हैं कि उन्होंने आपसे पूछा कि मस्जिद के दरवाजे कितने हैं, आप फरमाते हैं मैंने इनको गिना नहीं था, चुनाचे इसकी तरफ देख देख कर एक एक दरवाज़ा शुमार करने लगा। यानी वो जो अल्लाह ने पर्दे उठाए थे ना, तो आप लिटरली देख रहे थे बैतुल मक़दस को। तो हजरत अबू याला के नज़दीक यूं है कि आपसे बैतुल मक़दस की कैफियत हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मत'अम इब्न अदी ने पूछी थी, कि मत'अम इब्न अबी वो आदि वो आदमी था जो हजरत जुबैर इब्न मत'अम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाप है, उसने पूछा था कि अच्छा हमें बताएं कि बैतुल मक़दस में आपने क्या क्या देखा। यानी इतनी तकलीफ मेरे मदनी को दी है इन लोगों ने, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में लगे रहे कि शायद इन अल्लाह के बंदों को हिदायत मिल जाए।
आपने उनके तमाम सवालात के जवाब दिए, उनकी हर कसम की बेहुदा बात को बर्दाश्त किया, उनके शोर शराबे को बर्दाश्त किया, लेकिन हक को नहीं छोड़ा, हक पर कायम रहे, उनको तबलीग करते रहे, उनको दीन की तरफ बुलाते रहे। यही तो नबियों का काम होता है, यही तो अंबियाए कराम का काम होता है कि वो हक की बात करते रहते। यानी सीरत हलबिया में इमाम हलबी रहमतुल्लाहु अलैह इस वाक़े में मुशरिकीन ने जो आपका मजाक उड़ाया उसमें एक बड़ी डिटेल लाते हैं। वो कहते हैं कि जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी तो कुरैश के लोगों ने बहुत शोर मचाया और उन्होंने सीटियां बजाई और कुछ लोगों ने बड़ी हैरत का इजहार किया और आपके सर पर हाथ फेरने लगे कि कैसी बात करते हैं आप, ये कैसे हो सकता है। आखिर मतलब इब्ने अदी बोला कि आज से पहले जब तक तुमने ये बात नहीं कही थी इस वक्त तक भी मैं तुम्हारे मामले में कुछ ज्यादा सख्त नहीं था, मगर अब मैं गवाही देता हूं नाउज़ु बिल्लाह कि तुम झूठे हो। बैतुल मक़दस जो कि महीनों की चढ़ाइयां चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं, तुम कहते हो कि एक ही रात में गए और आ भी गए। लात और उज्जा की कसम ना मैं तुम्हारी कभी तस्दीक कर सकता हूं ना करूंगा। तो वहां हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे तो उन्होंने कहा, मतअम तूने अपने भतीजे को बहुत बुरी बात कही और इनके साथ बहुत बुरी तरह पेश आया, तू इनको झूठा कहता है, मैं गवाही देता हूं कि ये सच्चे हैं। सिद्दीक का मुकाम तो देखे ना जरा, कैसे भिड़ गया इस दुश्मनों से अल्लाह के रसूल। एक रिवायत में है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने यह वाकया सुनाया तो कुछ वो लोग भी मुर्तद होकर इस्लाम से फिर गए जो आप पर ईमान ला चुके थे। मगर इस सिलसिले में मुआहिबुल लदुनिया जिस किताब से हम कुछ और वाकयात इमाम कुस्तलानी की नकल कर चुके हैं, उसमें है कि ये सुनकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इन सब लोगों ने आपकी तस्दीक की जो अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। तो खैर बहरहाल ज़्यादातर कवि यही राय है कि मुसलमानों की ईमान को इस बात से तकवीत पहुँची और कुफ्फार इस बात से और बिफर गए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अपनी ज़बानों को दराज़ किया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दरवाज़े पर पहुँच गए कि आप सिद्दीक़ अकबर से कहने लगे कि अब बताओ। तो यही मौका था कि मतम इब्ने अदी ने आपसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बैतुल मक़दस का नक्शा और तफसील बतलाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब देने के लिए तफसील बयान की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस के मुतालिक बिल्कुल सही सही बातें बतलाते रहे और हज़रत अबू बकर आ हज़रत की हर इत्तला पर कहते रहे कि आपने सच कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ तक कि आपने ख़ास मस्जिद का नक्शा बतलाना शुरू किया और ये बात जाहिर है कि कुरैश में से जो भी बैतुल मक़दस जा चुका था वो आपकी हर बताई हुई बात की तस्दीक करने के सिवा उसके पास कोई और हल ना था। तो अल्लाह ने उठाकर बैतुल मक़दस मेरे मदनी के सामने कर दिया ताकि इन लोगों की सवालात का जवाब दे सकें। इसीलिए मुआहिबुल लदुनिया में अल्लामा कुस्तलानी ये लिखते हैं कि कुरैश चूंकि आसमानों से वाकिफ़ नहीं थे इसलिए उन्होंने आसमानों के मामले में आपसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन चूंकि वो बैतुल मक़दस से वाकिफ़ थे इसलिए उन्होंने बैतुल मक़दस के बारे में सवाल किया कि अगर आप यहाँ झूठे निकले नाउज़ु बिल्लाह तो हम कहेंगे वो बात भी झूठ है और ये बात भी झूठ है और आप झूठे हैं, और यहाँ अगर आप सच्चे निकले तो फिर हम आगे कोई बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने बड़ी स्ट्रेटिजिकली अपनी तरफ से काम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह भी तो कहता है ना, वो एक चाल चले और हम एक चाल चले और हम खूब चाल चलने वाले हैं। तो हज़रत अबू बकर के जो सिद्दीक लक़ब होने की रिवायत है तो हज़रत उम्मे हानी की बांदी नबा कहती हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल को हज़रत अबू बकर से ये फरमाते हुए सुना कि ए अबू बकर, अल्लाह ने तुम्हारा नाम सिद्दीक यानी सच को कबूल करने वाला रखा है, चुनाचे इसीलिए हज़रत अली कसम खाकर फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक आसमान से नाजिल फरमाया है। और फिर जब इन बातों से फारिग हो गया तो फिर मतअम इब्ने अदी ने कहा कि अच्छा अल्लाह के रसूल, अब हम आपसे और एक ज़रूरी बात कहते हैं पूछते हैं।
अब हमें जरा इन चीजों के बारे में बताइए जो ज्यादा जरूरी हैं। तो उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खुद हमारी काफलों के बारे में बताइए जो मुल्क शाम को जाने और आने वाले हैं, क्या इनमें से भी आप किसी से मिले हैं? आपने फरमाया, हाँ, मैंने रोहा के मुकाम पर बनी फलां का काफिला देखा था। ये रोहा मदीने के करीब एक जगह का नाम है और मदीने और इस जगह के दरमियान 2 रात का सफर है। इस काफले का एक ऊंट गुम हो गया था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। वो सब इसकी तलाश में गए हुए थे कि मैंने इनके पड़ाव में पहुंचा, इस वक्त वहां कोई नहीं था, वहां पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था, मैंने इसमें से पानी पिया। तुम इसके बारे में इन काफले वालों से पूछ सकते हो। इस पर मुशरिकों ने कहा कि हाँ, लात और उज्जा की कसम, ये एक निशानी होगी। यानी आप देखें ना जरा, दुश्मन जो है वो किस किस तरह से अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाने पे तुला हुआ है। और ऊंट का जो गुम होना है उसके बारे में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वहां से गुजरी ना, तो ये ऊंट बितका, क्योंकि एक एक चीज अचानक से गुजर गई तो जानवर के लिए तो एकदम वहशत हो गई ना, तो वो बितका और बितक के भागा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई कि तुम्हारा ऊंट वहां है। खैर, बहरहाल ये वो वाकयात थे जो इसरा और मेराज के सिलसिले में थे, जिनको मैंने जमा करने की अपनी तरफ से एक तालिब इल्माना कोशिश की है। तो अगर कोई गलती हो गई हो इस प्रोसेस में तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुख्तलिफ कुतुब हदीस से, मुख्तलिफ तफासीर से, मुख्तलिफ आर्टिकल्स से, मुख्तलिफ सीरत की किताबों से, और जो दूसरे अबहास की किताबें उलमाए कराम ने लिखी हैं, एनालिसिस की किताबें लिखी हैं, तो जगह जगह मैंने जो किताबों के मुताले हुए हैं उनका रेफरेंसेस भी आपको दिए हैं। तो वमा अलैना इल्ला अल बलाग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि व सल्लम तस्लीमा।